हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रॉक्स. वी नो द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक. फर्स्ट इग्नोनियस रॉक. टुडे वी डिस्कस द इग्नोनियस रॉक, यानी कि आज हम जो इग्नोनियस जो चट्टान है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. एज इग्नोनियस रॉक्स from out of magma and lava from the interior of the earth, यानी कि जो हमारी जो अग्नेय चट्टान होती है इग्नोनियस रॉक, यानी कि जो अग्नेय चट्टान है उसका उसको वो जो पृथ्वी के अंदर, यानी कि जो हमारी अर्थ का जो इंटीरियर है, आंतरिक जो पृथ्वी है उसमें लावा और जो मैग्मा होता है, मैग्मा और लावा से वो डेवलप होती है. दे आर नो एज प्राइमरी रॉक्स, इसलिए हम इसे प्राइमरी रॉक यानी प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं. क्योंकि जो अगर हम देखें तो जो अर्थ का जो इनर लेयर है उसमें डेवलप ये होती है, इसलिए इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. द इग्नोनियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हेन मैग्मा कूल एंड सॉलिफाइड, यानी कि जब ये इग्नोनियस जो रॉक है उसे बनने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा जब ठंडा होता है और ठंडा होने पर इन चट्टानों का निर्माण होता है. जैसे जो मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है उससे ये चट्टानें डेवलप होती है. यू ऑलरेडी नो व्हाट मैग्मा इज़, हमें पता है कि जो मैग्मा होता है वो उसे हम किस तरीके से मैग्मा बनता है, इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि मैग्मा किसे हम मैग्मा कहते हैं. व्हेन मैग्मा इन इट अपवर्ड मूमेंट कूल्स एंड टर्न इंटू सॉलिड फॉर्म इज द कॉल्ड इग्नोनियस रॉक. जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और कूल और एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ठोस रूप में जब वो आ जाता है तो उसे हम इग्नोनियस रॉक कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट, और जो ये हम जानते हैं कि जो जब ये मैग्मा जो ठंडे मैग्मा के ठंडे और सॉलिड यानी कि कूल एंड जो सॉलिडिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो पृथ्वी की सतह पर होती है. जो पृथ्वी होती है पृथ्वी की सतह पर ये होती है, और ये ठंडा और ठोस बनाने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है पर देखी जा सकती है. यानी कि जो ये प्रोसेस होता है कूल एंड सॉलिडिफिकेशन का, वो जो पृथ्वी की जो अर्थ है, अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है. और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इग्नोनियस रॉक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर, यानी कि जो हम देखते हैं जो इग्नोनियस रॉक होती है उसका वर्गीकरण हम इसकी टेक्सचर यानी कि इसकी बनावट किस तरीके से बनी है उसके आधार पर करते हैं. कि किस तरीके की इसकी बनावट है उसके आधार पर हम इग्नोनियस रॉक को क्लासिफाइड यानी कि इसका वर्गीकरण करते हैं. टेक्सचर डिपेंड अपॉन साइज ऑन अरेंजमेंट ऑफ गैरियंस ऑफ अदर फिजिकल कंडीशन इन द मटेरियल, जो इसकी बनावट है इसके कणों के आकार और व्यवस्था और पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है कि किस तरीके से ये बना हुआ है. इसकी जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ की जो फिजिकल कंडीशन होती है यानी कि उसकी जो भौतिक अवस्था होती है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की ये इग्नोनियस रॉक किस तरीके की बनेगी. तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जो इग्नोनियस रॉक कैसी होगी, ये उस जो मटेरियल है यानी कि जो वो जो पदार्थ है उसकी फिजिकल कंडीशन उसका टेक्सचर, उसका जो आकार है और जो अरेंजमेंट यानी कि उसकी जो व्यवस्था है उस पर निर्भर करता है. तो इग्नोनियस रॉक किस तरीके से बनेगी, यह जो पदार्थ यानी कि जो मटेरियल होता है उसके टेक्सचर, उसके अरेंजमेंट और उसकी फिजिकल कंडीशंस, ये तीन जो प्रोसेस होते हैं. टेक्सचर का मतलब होता है उसका आकार कैसा है, और अरेंजमेंट यानी कि उसकी व्यवस्था कैसी है, और थर्ड इज़
द फिज़िकल कंडीशन, उसकी मटेरियल की फिज़िकल कंडीशन कैसी होती है, इसके आधार पर ये जो इग्नोनियस जो रॉक होता है उसका फॉर्मेशन होता है। इफ़ वॉल्टर मटेरियल इज़ कोल्ड स्लोली एंड ग्रेट डीप्थ मिनरल्स गेनिंग मे बी वेरी लार्ज। अगर हम देखते हैं कि जो यदि जो पिघलते हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे हो जाते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, यानी कि जो मटेरियल होता है वो स्लोली स्लोली अगर कोल्ड होता है और बहुत डीप यानी कि गहराई तक जाकर वो ठंडा होता है तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं उसके कण बहुत बड़े होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिग होते हैं, बड़े पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे जो कोल्डनेस होती है, जैसे जो मटेरियल है उसकी जो कोल्डनेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो मिनरल्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। सडन कूलिंग यानी कि अगर मान लीजिए कि एकदम से अगर कूलिंग हो, एक तो धीरे धीरे कूलिंग होती है और एक सडनली यानी कि अचानक अगर ठंडे हो, रिजल्ट द स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स, यानी कि अगर हम देखते हैं कि जो अगर एकदम से अगर अचानक अगर शीतल होना ठंडा होना अगर प्रारंभ हो जाता है तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं उसके जो कण होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जिस मिनरल्स के पार्टिकल धीरे धीरे ठंडे होते हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि पार्टिकल बड़े होते हैं, और सडनली जहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जिस मिनरल्स के पार्टिकल एकदम से अचानक ठंडे होना चालू हो जाते हैं वहाँ उस मिनरल्स के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हमें देखने को मिलते हैं। इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट द इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग अप इग्नोनियस रॉक, और यह जो ठंडी होने की जो प्रक्रिया है वही ये बताती है कि जो इग्नोनियस रॉक है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस आकार के होंगे, यानी कि उनका साइज क्या होगा, ये बताने की जो चीज़ है वो मटेरियल किस तरीके से, जो मिनरल्स होते हैं वो किस तरीके से कूलिंग होते हैं। अगर जो कूलिंग जो स्लोली कूलिंग होती है तो पार्टिकल्स बड़े होते हैं, और जब कूलिंग सडन कूलिंग होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे मिलते हैं। अब इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल के रूप में देखें तो ग्रेनाइट गिब्रो मैग्माटाइट बेसाल्ट जो ये सब चीज़ें हैं, ये वॉल्केनीज ब्रिशिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इग्नोनियस रॉक। ये सभी जो है इग्नोनियस रॉक के एक उदाहरण के रूप में, एग्जांपल के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रा हो गया, मैग्माटाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, और वॉल्केनो ब्रिशिया टफ, ये सभी है जो इग्नोनियस रॉक के एक हमें एग्जांपल के रूप में देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द इग्नोनियस रॉक। इग्नोनियस जो रॉक है वो मैग्मा एंड जो लावा होता है उससे जो इंटीरियर होता है अर्थ का उसमें डेवलप होती है, इसलिए इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी इनको कहा जाता है। और मोस्टली जो इग्नोनियस रॉक होती है वो अपने फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, उसका जो प्रोसेस है कूलिंग का जो प्रोसेस है वो उसके जो मिनरल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो मिनरल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली कूल डाउन होते हैं, वो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो बिग होंगे, लार्ज पार्टिकल्स में वो पाए जाते हैं, और जिन मिनरल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सडनली कूलिंग में चल जाते हैं उनके जो पार्टिकल्स उनके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। और वहीं पर हमने जो इग्नोनियस रॉक है उसका जो टेक्सचर है उसमें हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं वो थ्री अलग अलग जो चीज़ें होती है उस पर डिपेंड होता है। एक तो होता है टेक्सचर, यानी कि उसकी जो पार्टिकल्स है यानी कि जो मटेरियल है जो पदार्थ है उसकी टेक्सचर यानी कि उसका आकार कैसा है, अरेंजमेंट यानी उसकी व्यवस्था कैसी है, और उसकी फिजिकल कंडीशन यानी कि भौतिक जो दशाएँ हैं वो कैसी होती हैं। अब हमने एग्जांपल देखा ग्रेनाइट गिब्रा मैग्माटाइट बेसाल्ट वॉल्केनो ब्रिशिया टफ, ये सभी इग्नोनियस रॉक के एक अच्छे उदाहरण माने जाते हैं।